खबर मुरैना से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो निकाला जाएगा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री इस रोड शो में शामिल होंगे। तो चंबल राजघाट से ये रोड शो शुरू होगा जो कि रायरू तक पहुंचेगा। कार्यकर्ताओं ने कई जगह स्वागत द्वार बनाए हैं, साथ ही ग्वालियर शहर को बैनर पोस्टर से सजा दिया गया है। उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है, रोड शो निकाला जाएगा। जानकारी दे दें, आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर वो कई विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही रोड शो किया जाएगा और उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके रोड शो में शामिल होंगे। इसके साथ ही कई अन्य मिनिस्टर्स भी इस मेगा रोड शो में शामिल होंगे। तो चंबल राजघाट से शुरू होकर रायरू तक रोड शो पहुंचेगा। कार्यकर्ताओं ने कई जगह स्वागत द्वार बनाए हैं, स्वागत की व्यापक तैयारियां हो चुकी हैं, पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं और अब इंतजार केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहेंगे आज और 3 दिन तक वो ग्वालियर में ही ठहरेंगे, इसलिए तमाम व्यवस्थाओं को भी पुख्ता कर लिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही उनके स्वागत के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं, शहर को बैनर पोस्टर्स से सजा दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के दौरे पर आने वाले हैं। कुछ ही देर में वो ग्वालियर पहुंचेंगे और भव्य स्वागत की तैयारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए, नेताओं के जरिए, उनके समर्थक के जरिए गोविंद सिंह पहुंचे हुए थे। देखिए किस तरीके से तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां पर दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। मेगा रोड शो उनका होना है, चंबल राजघाट से शुरू होकर रायरू तक ये मेगा रोड शो किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत की तैयारी की है। बैनर पोस्टर से पूरा शहर पटा है, इस स्वागत के लिए तैयार हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक नेता और उनके समर्थक भी। अब इंतजार है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जब वो पहुंचेंगे तो एक भव्य स्वागत उनका किया जाएगा, मेगा रोड शो की भी तैयारी। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए, इंतजार किया जा रहा है केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कि थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। तो चलिए, अधिक अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता उमेश पारासर का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, महाराज ग्वालियर चंबल के दौरे पर आ रहे हैं और जिस तरीके से एक महाराज का स्वागत होता है वैसा ही स्वागत करने की तैयारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए, आपसे जानना चाहेंगे कब पहुंचेंगे सिंधिया ग्वालियर और कैसा शेड्यूल उनका होने वाला है। उमेश, बिल्कुल देखिए, सुबह अभी कुछ देर पहले ही जो सिंधिया है वो राजघाट पुल पर आएंगे और वहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। हजारों कार्यकर्ता, बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता इस समय राजघाट पुल पर खड़े हुए हैं और लगभग 8 जो राज्य मंत्री है वो भी यहाँ आ चुके हैं और साथ में ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ आए हैं। और हम आपको बता दें कि नागरिक उद्यान मंत्री बनने के बाद पहली बार मुरैना में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर जो कार्यकर्ता है उनमें जोश काफी देखने को मिल रहा है। और हम आपको बता दें कि लगभग 63 किलोमीटर का ये क्षेत्र रहेगा, राजघाटपुर से लेकर रायरू तक ये रोड शो चलेगा और हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कांग्रेस इस दौरे का विरोध कर रही है, उनका कहना है कि जो राजनीति, जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें रोक लगा देती है, जो रोड शो है उन पर रोक नहीं लगी है, क्या कहना है आपका? देखिए, दरअसल स्वाभाविक रूप से जब कोई भी व्यक्ति नए परिवेश में अपने शहर में आता है तो सभी कार्यकर्ता और नेताओं की इच्छा रहती है कि उनका स्वागत करें, इसलिए स्वागत हो रहा है। कांग्रेस को इस मामले में मीन बैग नहीं निकालना चाहिए। सर, अमूमन देखा जा रहा है जब से सिंधिया के जो समर्थक शामिल हुए और बीजेपी एक साथ आज देखने को मिल रहे, हजारों कार्यकर्ता शामिल है बीजेपी की और कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखने का चश्मा जैसा होता है वैसा ही व्यक्ति को देखता है, लेकिन जिस दिन से सिंधिया जी आए, भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी एक दूसरे को पूरा करें। सर किस तरह से देख रहे हैं भाई साहब के बोलने? सर सर देखिए, जिस दिन से सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कोई गुट नहीं है, यहाँ सिंधिया गुट नहीं है, न तोमर गुट है, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी और बी डी शर्मा के नेतृत्व, सब एक है, उत्साह का माहौल है, उमंग का माहौल है। महाराज सिंधिया जी पहली बार मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, वो सम्मान पाने के बाद घर आ रहा है, तो ये उसका उत्साह है। बिल्कुल, ये जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का साफ तौर पर कहना है कि जब पहली बार मंत्री बनते हैं तो स्वाभाविक है कि जो कार्यकर्ता में उत्साह होता है स्वागत करने का, वो जरूर होगा। हालांकि जो कोविड के नियम है उनका सब पालन किया जाएगा। साथ में ही जो परिवहन मंत्री है गोविंद राजपूत, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पार्टी में सभी कार्यकर्ता एक है, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए या बीजेपी के कार्यकर्ता, सब एक है। और जो मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है उसको लेकर ही आज जो बीजेपी पार्टी है वो पूरी एकजुट होकर सिंधिया जी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार आए। और हम आपको बता दें कि लगभग जो 65 किलोमीटर का क्षेत्र है जहां स्वागत होना है, वहां जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं, हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। जी सुमित, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी साझा करने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी आपने सुना, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री को भी आपने सुना है, नरेंद्र सिंह तोमर, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, केवल इंतजार किया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और उनके स्वागत की भव्य तैयारियां इस वक्त मुरैना में की गई हैं। तो रोड शो किया जाएगा जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे, इसके साथ ही सिंधिया समर्थक तमाम मंत्री, उनके तमाम समर्थक कार्यकर्ता भी इस रोड शो में शामिल।